हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आई हूँ अपना मेकअप के लिए, जो मैं नॉर्मल घर पे मतलब कहीं आने जाने पे करते हैं हम लोग, क्योंकि हम हमेशा तो पार्लर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हम घर पे जो मेकअप करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये आप देख सकते हो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा है, क्लीन है मेरा फेस। ये मैंने बस इस सिंदूर और ये बिंदी पहले लगा रखी थी तो लगा पड़ा है। अब मैं आपके सामने क्लीन करके दिखाऊंगी और फिर अपना मेकअप एक बार शुरू करूंगी कि कैसे करते हैं नॉर्मल मेकअप घर पे। बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं, पर थोड़ा बहुत बताऊंगी मैं जो कर सकती हूँ। तो ये मैं अपनी क्लीन अपना फेस आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। मैंने फेस क्लीन कर लिया है, मैं वो फेस क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। इसके बाद थोड़ा सा फेस मेरा वेट हो गया है। ओके बुबू आप आ जाओ नीचे। हाँ बैठ जाओ, लो लीजिए। बाद में अपने आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं जो आप यूज करते हो घर पे। मैं अपना एलोवेरा जेल लगा रही हूँ थोड़ा सा। अच्छे से इसको अपने फेस पे ऑब्जर्व कर देना ताकि गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो फेस गीला रह जाता है हमारा। एक्सरसाइज करने के बाद आप ये मेरा फेस देख सकते हो, बहुत गर्मी हो रखी है। अब ये थोड़ा सा सूख जाए। फ्रेंड्स वहां पे थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, फैन नहीं चल रहा था ठीक से, इस कमरे में आ गया। अब आप मेरा फेस देख सकते हो, मैंने सिकंदर का जेल लगाया आपके सामने। अब मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस हाइलाइटर है, प्राइमर है ये आपके लिए जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा है ये जो मैं स्पेशली यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा आता बेस है, इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप ये देख सकते हो जहाँ पर आपको हाइलाइट करना है उस एरिया पर थोड़ा सा ज़्यादा आप लगा लीजिए, अदरवाइज फेस पर आप कहीं यूज़ करो। खोल रही हूँ बब्बू, क्या क्या खोलना है आप बताओ मुझे। शेड है 320, आपका जो शेड हो आप वो यूज करो, तो मेरा शेड है तो मैं यूज कर रही हूँ इसको। ये ब्रश से भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास एक ब्रश है बहुत अच्छे से भी यूज कर सकती हूँ, पर मैं आपको वहां से दिखा रही हूँ करके। टैप टैप आप अच्छे से अपने फेस पे लगा लीजिए जहाँ आपको लगता है। मैं कैमरे को देख के कर रही हूँ तो इसलिए शायद हो सकता है मैं कहीं ना लगा पाऊँ। आप मिरर में देखोगे तो अच्छे से आपको कर्ल्स लगा पाओगे अपने फेस पे।
अच्छे से। हाँ खोल दूँ? खुल गया वो, देखो मम्मा से खुल गया, आपको खोल दिया, खोल दो। आ रखो उसको, आप दूसरा यूज कर लो। हाँ बुबू का नेक पे भी लगाना जरूरी है, क्योंकि तो फिर नेक अलग दिखता है हमारा। ये मैंने लगा लिया है, ये देखो मैं अच्छे से इसको हाथों से अपने टैप टैप करूंगी, क्योंकि अगर आप इसको रगड़ना नहीं है इसको, आप डैप डैप करके अच्छे से लगा सकते हो, हाथों से भी अच्छे से। और ब्लेंडर यूज कर सकते हो, ब्रश जिसको अच्छे से यूज करना आता है ब्रश भी यूज कर सकता है। यस बुबू, ये आप देख सकते हो मेरा फेस। का है ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश है, बहुत अच्छा है ये। जो जिनको नहीं भी यूज़ करना आता उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। मैं खुद ही यूज़ करती हूँ इससे, बहुत अच्छे से फेस पे बिल्कुल इक्वली फाउंडेशन आपका लग जाता है, क्योंकि अच्छे से हम हाथों से नहीं लगा सकते, ब्रश के हेल्प से हम अच्छे से इसको लगा लेते हैं। ये देखिए देखो अच्छे से लग गया ये। अब आपको अपना फेस जहाँ पे हाईलाइटर यूज़ करना है हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। मेरे को मैं ज़्यादा हाईलाइटर यूज़ नहीं करती, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हाईलाइटर बता देती हूँ। ये है, मैंने थोड़ा सा नोज़ पे लगाया, ब्रश के ही थ्रू मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया है। वो आपको मैं दूसरा दे रही हूँ, रुको मम्मा दूसरा दे रही है आपको, ये लो। मैंने अच्छे से कर दिया है अपना ब्लेंड। आप देख सकते हो इसको, अब आपने जो ये इसको सेट करने के लिए आपको लूज पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास लैक्मे का है ये, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ये बाबू ने खोल दिया है पहले ही, वो नहीं ज़्यादा नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा लेना है ताकि इजिली आप उसको बस सेट कर सको अपने बेस को। मैंने कर दिया ऐसा, उसके बाद मैं आप
मैंने वैसे लिप कलर पहले ही लगा रखा है, पर मैं इसको सही से अच्छे से लगाऊंगी और आईलाइनर लगा के दिखाऊंगी आपको। ये आप देख सकते हो फेस अभी मेरा। अब मैं बिंदी और आईलाइनर लगा देती हूँ, एक काजल लगाऊंगी बस, और फाइनल लुक आप मेरा देखना। फ्रेंड्स, मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज करने जा रही हूँ, आपको देख सकती हूँ लगा के, बिना मिरर के तो नहीं देख लगा पाएंगे। मिरर में देखी है पहले, तुम ये देखो, देख के लगा, टूट गया मम्मा, आपने तोड़ दिया बाबू मम्मा का। फ्रेंड्स, मैंने आयरन लगा दिया है और आयरन थोड़ा सूख रहा है ये, जब तक मैं बिंदी लगा देती हूँ अपने एक तो मैचिंग की बिंदी लगा रही हूँ साड़ी की, मैं पहले लगा चुकी, पता नहीं कहाँ गिर गई है बिंदी, लग गई। और अब मैं लगा देती हूँ सिंदूर आपके लिए, एक मिनट तो मैं लगा रही हूँ सिंदूर। मैंने पहले लगा रखा था तो थोड़ा सा मेकअप के टाइम पे कम हो गया था, सिंदूर लगा लिया है। मैं ब्राउन काजल यूज करती हूँ, आप जो काजल यूज करते हो वो लगा देती है। काजल मेरा वो अपने मेरा अम्मा का काजल कहाँ रखा, ये मेरा ब्राउन काजल है, ब्राउन काजल यूज करती हूँ मैं, उसको लगाने जा रही हूँ। अब मैं मेरा लुक देख सकते हो, मैं लिप कलर लगाऊंगी फेस पे अपने। ऑलरेडी लगा चुकी थी, फिर भी एक बार लगाऊंगी मैं। बाल मैंने सिंपल रखे हैं और ये देखिए मेरा मेकअप हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, एक बार और अपने आप को फाइनल कर सकते हैं। मैं लूज पाउडर लेके एक बार फिर से अपने आप को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेना, फेस ज़्यादा वाइट वाइट हो जाता है, थोड़ा सा झाड़ दीजिए। वो नहीं रहने दो आप, मेकअप कर लिया खाने जाता। तो ये मेरा फाइनल लुक है जो मैंने अपने आप को तैयार रेडी किया है, आप देख सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने, बस फाउंडेशन लगाया और लास्ट में मैंने आपको बताया नहीं, मेकअप फिक्सर यूज कर सकते हो आप अपना, ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, मैंने जो यूज कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा पास से ज़्यादा मत करना, नहीं तो निकलने लगता है वो, आप दूर से स्प्रे करो, आईज क्लोज कर दो अपना। इससे मेकअप
फिक्स हो जाएगा आपका और ज़्यादा देर तक चल सकेगा। आप ये देखिए मेरा फाइनल लुक है जो मैंने नॉर्मल लेडीज घर पे कर सकती हैं मेरा मेकअप। ये देखिए बालों को मैंने नॉर्मल रखा है, जूड़ा बनाया है और ये है मेरा फाइनल लुक जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देख लो कैसी लग रही हूँ मैं। ये ऐसा चिल्लाइए मत, वरना मैं भी चुप नहीं रहूंगी। क्या करोगी, क्या करोगी तुम? औरत करी क्या सकती है, बस किचन में जाकर ओ करके रो सकती है, और क्या कर सकती है। हे भगवान, सर दुख रहा है।